हेलो एवरीवन, दिस इज़ माइक महाजन। वेलकम टू माय चैनल। इफ़ यू फाइंड माय वीडियोस यूजफुल सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। द वीकली वेजेज इन रुपीज़ ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर। आपको बोला गया कि 30 वर्कर ने क्या किया, काम किया फैक्ट्री में, और उनकी जो तनख्वाह हमारे पास है वो इस तरह से है 30 वर्कर्स की। आपको बोला गया है यूजिंग टैली मार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल्स एज 800 टू 810, 810 टू 820 एंड शोन। आपको बोला गया है कि आपने क्या करना है, टैली मार्क्स का यूज करके आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, और आपने कैसे कैसे इंटरवल लेने हैं। 10 10 का आपने इंटरवल लेना है। तो आप अगर आप ये देखेंगे मिनिमम वैल्यू, आपको बोला गया कि आपने 800 से स्टार्ट करना है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू हमारे पास 890 हमारे पास दिख रहा है, यहाँ पे 898 भी दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक ले लेंगे, 900 तक, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 898 है। तो क्या करेंगे, इसका टैली मार्क्स बनाते हैं। सो इसका आंसर देखो, मैंने क्या किया यहाँ पर, हमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, तो हमने क्या लिखा, पहले वीकली वेजेस लिख रही है, देन टैली मार्क्स, उसके बाद फ्रिक्वेंसी। आपको पता कि 10 10 का आपने गैप लेना है, तो 800 से 810, 10 से 20, 20 से 30, और मैंने लास्ट तक क्या कर दिया, इसको मैक्सिमम वैल्यू 898 समथिंग थी, तो मैंने इसको 900 तक लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम काउंट करेंगे कि 800 से 810 के बीच में कितने नंबर्स हमारे पास हैं, उसको हमने काउंट करना है। यहाँ पर 810 से 820 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनको काउंट करेंगे। आपने ये चीज़ याद रखनी है, देखो यहाँ पर 810 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम दोनों ही जगह 810 नहीं लेंगे। हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यूज यहाँ पर होती है इनको सिर्फ हम कहाँ लेते हैं, इन वैल्यूज को हम काउंट नहीं करते हैं। जैसे मान लो 800 से 810 के बीच में हमें नंबर्स देखने, तो हम 800 से 809 तक ही देखेंगे, जो 10 हम काउंट करते हैं वो यहाँ पे काउंट करते हैं। देन यहाँ पे 810 से 819 तक जो भी नंबर है वो देखेंगे, और 20 कहाँ काउंट होगा, यहाँ पर, ठीक है ना। 820 से 829 यहाँ पर आए, और जो 830 है वो यहाँ पे काउंट नहीं होगा, वो यहाँ पर काउंट होगा। तो इस तरह से हम इसको काउंट करेंगे। तो पहले देखते हैं 800 और 810 के बीच में हमारे पास कितने नंबर्स यहाँ पर है। तो हमारे पास यहाँ पर देखेंगे, सो पहले हमारे पास आके 808, 804, 2 एंड 806, हमारे पास कितने आ गए, 3 आ गए, तो हम फ्रीक्वेंसी में यहाँ लिख देंगे 3। अब देखना है 810 और 820 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं। तो पहले तो 810 आ गया, 1, देन 2, तो हमारे पास सिर्फ दो ही नंबर आए जो 810 और 820 के बीच में है, तो यहाँ पर 2 आएगा। सॉरी, नेक्स्ट हमारे पास है 820 से 830 के बीच में, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 820 हमारे पास आ गया, 1, और हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है, तो मतलब सिर्फ 1 नंबर हमारे पास आया। देन देखेंगे 830 और 840 के बीच में कितने नंबर्स हमारे पास है, सो 830 एंड 840 के बीच में, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो हमारे पास 9 नंबर आए जो क्या हो रहे हैं, 830 और 840 के बीच में आ रहे हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास है 840 और 850 के बीच में, सो 840 और 850 के बीच में अगर देखेंगे हमारे पास, तो 845, 1, एक और बार पास है 2, देन 3, 4 एंड 5, तो हमारे पास क्या लिख लेंगे यहाँ पर हम 5। अब 850 और 860 के बीच में हमें देखना है, तो 850 एंड 860 के बीच में देखते हैं, तो 855, 1, और सिर्फ एक ही नंबर हमारे पास है, तो यहाँ पर आ गया 1। देन 860 एंड 870 के बीच में देखेंगे, सो 1, 2, 860 आ गया हमारे पास, और 3, 868, तो ये आ गया हमारे पास इनके बीच में। अब 870 और 880 के बीच में हमें देखना है, सो क्या बच गया हमारे पास यहाँ पर, 878, तो 878 अकेला नंबर है
जो इन दोनों के बीच में आ रहा है, देन 880 और 890 के बीच में नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। सो 880 एंड 890 के बीच में तो 1, तो सिर्फ हमारे पास एक नंबर है। नेक्स्ट बचा 890 से 900, तो एक नंबर बचा था हमारे पास, वो ये एक, देन 2, 3 और 4। तो हमारे पास ये चार नंबर बचे थे जो 890 और 900 के बीच में है। और अगर आप इनको सभी को काउंट करते हैं तो काउंट करके हमारे पास क्या बनेगा, इनको प्लस करके हमारे पास 30 ही बनेगा। तो आपने क्या करना है, इनको प्लस करके देखना है, अगर ये 30 बन रहा है तो आपने इनको काउंट करेक्ट किया है। तो टैली मार्क्स लिख लेते हैं, 3 गैस लिखते हैं, 1, 2, 3, 2 लिखेंगे 1, 2, 1, फिर 9 लिखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 1, 1 एंड 1, 2, 3, 4। तो ये हमारे पास बन गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और हमारे पास थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डाटा इन क्वेश्चन 3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको बोला गया है जो क्वेश्चन 3 का आपके पास डाटा आपने बनाया था उसको आपने क्या करना है, हिस्टोग्राम में शो करना है और उसके बाद उसके क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने हैं। सो पहले हम क्या करेंगे, इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से अपने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन आप ले लेंगे। तो मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल में इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल में इसको वाई एक्सिस हम बोलते हैं। अब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में मैंने ले लिए वीकली वेजेस 800, 810, 20, 30, 40 एंड 900 तक, वैसे ही नंबर ऑफ वर्कर्स मैंने 0 से लेकर यहाँ पे 10 तक मैंने ले लिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमने बनाया था टैली मार्क्स टेबल उससे हम क्या करेंगे, वैल्यूज देखते रहेंगे और हमारे पास इसका बार ग्राफ बनाते रहेंगे। सो फर्स्ट हमने देखा था 800 और 810 के बीच में वैल्यूज थी 3, तो 800 और 810 के बीच में वैल्यू 3 है। तो आप क्या करेंगे, विद हेल्प ऑफ स्केल आपने क्या करना है, 3 तक लेके जाएंगे आप इसको, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई। नेक्स्ट 810 और 820 के बीच में जो वैल्यू थी हमारे पास 2 है, तो हम 2 बना लेंगे। तो यहाँ पर 2 है और आपने 810 और 820 के बीच में, और आप याद रखेंगे कि आपने क्या करना है, इसको साथ में ही बनाना है क्योंकि हिस्टोग्राम साथ में ही बनेगा, हमें निकालना है 810 820 के बीच में, तो बीच में बनेगा हमारे पास इस तरह से। नेक्स्ट 820 और 30 के बीच में जो वैल्यू मैंने फाइंड आउट की थी वो 1 थी, तो इसके बाद बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1, देन वैल्यू थी 9, तो आपने यहाँ से जाना है 9 तक, तो ये हमारे पास 9 है। तो आप विद द हेल्प ऑफ स्केल्स को ड्रॉ करेंगे और ये हमारे पास बन जाएगा 9। नेक्स्ट हमारे पास है 5 वैल्यू थी हमने फाइंड आउट करी हुई, तो हम क्या करेंगे 5 तक इसको ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट हमने जो टैली मार्क्स में बनाई थी वो 1 थी, तो यहाँ पे 1 हो गया, देन 3, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया 3, उसके बाद 870 और 880 के बीच में जो हमारे पास वैल्यू थी वो थी 1, सो 1, उसके बाद भी 1 था और लास्ट वैल्यू हमारे पास थी 4, और आपने इसको विद द हेल्प ऑफ स्केल ही बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमारे पास ये बन गया हिस्टोग्राम। यहाँ पर वैल्यू कितनी थी 3, देन 2, 9, 1, 5, 1, 3, 1, 1 एंड 4। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। और अब क्या करेंगे, इससे हम देखेंगे क्वेश्चन के आंसर कि क्या इसके आंसर्स होंगे। सो फर्स्ट पार्ट आपके पास था विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर, कि कौन सा ग्रुप है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर काम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 830 से 840 वेजेस वाला जो ग्रुप है उसमें सबसे ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे 830 to 840 वाला जो ग्रुप हमारे पास है वो मैक्सिमम वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है हाउ मैनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर, कितने ऐसे वर्कर हैं जो 850 और उससे ज़्यादा क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। तो 850 यहाँ पर है, तो 850 से ज़्यादा जितने वर्कर है उसको आपने काउंट करना है। तो ये सारे वर्कर जो 850 से ज़्यादा वाले वर्कर हैं, तो 1 + 3 = 4 हो गया, 4 + 1 = 5, 5 + 1 = 6, 6 + 4 हो गया 10। तो 10 वर्कर्स आ गए हमारे पास, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 वर्कर्स।
नेक्स्ट है, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 50, कितने ऐसे वर्कर हैं जो 850 से कम क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। तो 850 यहाँ पर हमारे पास है, इससे पीछे हम अगर हम जाएंगे तो देखो 9 है, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 2 कितना हो गया हमारे पास 17, 17 प्लस 3 हो गया 20। तो 850 से कम वाले ये सारे थे, तो इनको जो प्लस करके आएगा मतलब वो क्या है, वो लोग जिनके 850 से कम सैलरी है। तो मतलब कितने वर्कर्स आ गए इसमें, 20 वर्कर्स आ गए। ठीक है, और हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन हमारे पास है, द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविजन ऑन हॉलीडेज इज शोन थ्रू द गिवन ग्राफ। आपको एक बार ग्राफ दिया हुआ है और आपने क्या करना है उसको देख के क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो ये आपके पास बार ग्राफ दिया हुआ है फिफ्थ क्वेश्चन में, आपको बोला गया है कि यहाँ पर दिए हुए हॉरिजॉन्टल में आवर्स ऑफ टीवी वॉच्ड पर डे, कि एक दिन में कितने घंटे बच्चे टीवी देख रहे हैं, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसका मतलब हुआ कि 1 से 2 घंटे के बीच में कितने बच्चे टीवी देख रहे हैं, 4। 2 से 3 घंटे के बीच में कितने बच्चे टीवी देख रहे हैं, 8। सिमिलरली 4 और 5 के बीच में बच्चे, 32 बच्चे हैं जो क्या देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। तो आपने क्या करना है इसको देख के क्या करना है, क्वेश्चन में आंसर बताना है। सो आपके पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन फर्स्ट आपके पास, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी, कितने आवर में सबसे ज्यादा बच्चे टीवी देख रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 4 to 5 आवर्स हमारे पास क्या हो रहा है, बच्चे सबसे ज्यादा बच्चे क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट के आंसर में क्या लिख देंगे हम, 4 to 5 आवर्स, मतलब 4 से 5 घंटे के ग्रुप में बच्चे क्या कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा टीवी देख रहे हैं। सेकेंड पार्ट में, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी लेस देन 4 आवर्स, 4 घंटे से पहले कितने ऐसे बच्चे हैं जो टीवी देख रहे हैं। तो बार ग्राफ में देखते हैं, 22 हमारे पास है, 22 प्लस 8 हमारे पास हो जाएगा, देखो सॉरी यहाँ देखो पहले, तो अब यहाँ पे देख लो 4 आवर से कम बोला हुआ है, तो 4 आवर से कम इतने बच्चे हुए जो टीवी देख रहे हैं हमारे पास, तो 22 प्लस 8 हो गया 30, 30 प्लस 4 हो गया 34। तो 34 बच्चे ऐसे हैं जो 4 घंटे से कम टीवी देख रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, 34 स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट हमारे पास है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्पेंट मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी, 5 घंटे से ज़्यादा कितने बच्चे टीवी देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 5 आवर से आगे इस साइड हमारे पास है, तो 8 प्लस 6 हमारे पास बता देगा हमें कितने बच्चे हमारे पास क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं 5 घंटे से ज़्यादा। तो 8 प्लस 6 हमारे पास कितना हो गया, 14। तो मतलब 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 5 घंटे से ज़्यादा टीवी देख रहे हैं। तो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और साथ ही साथ एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट हुई। सो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू।